इमरान खान की हुकूमत को 10 अप्रैल 2022 को एक तहरीकदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म कर दिया गया इस तहरीकदम एतमाद को कामयाब बनाने में तीन बड़ी अपोजीशन जमातों ने अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और जमीतमा इस्लाम अपोज़िशन जमातों के बड़े एतराजात ये थे ख़राब गवर्नेस जूठे मुकदमत मीशत और खारजा पॉलिसी में नाकामी इसके बरक्स इमरान खान ने यू एस गमेंट को अलानिया इसका ज़िम्मेदार करार दिया जिसने मुकामी सियासतदानों से मिलकर इनकी हुकूमत गिराई इमरान खान के मुताबिक वाशिंगटन ने पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी में मुदाखलत करते हुए रिजीम चेंज के लिए फंडिंग की और पाकिस्तान के जमहूरी अदारों में इन्वेस्टमेंट की अगरचा अमरीका ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है मगर पाकिस्तान की अक्सरियत इमरान खान के बयानी को ही सच जानती है वही आवाम जो कुछ हफ्ते पहले इमरान हुकूमत से नाल थी अब अमरीका के खिलाफ इमरान खान के साथ है इमरान खान के एहतजाज की कॉल और कौमी असम्बली से पी टी आई अरकान के इस्तीफ़ों की वजह से मुल्क एक बड़े सियासी बहरान का शिकार है आवाम और नौजवान नस्ल इस एहतजाज में इमरान खान के शाना बशाना है और नई हुकूमत इमरान खान के बयानी से हरगज मुतफ़ नहीं आज की वीडियो कुछ ऐसे अहम इंकशाफ़ा के बारे में है जो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने की खास वजह हो सकते हैं और इन इंशाफात के बारे में पाकिस्तान के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स खामोश हैं ये तमाम इंशाफा कमेटी फॉर द एबल्यूशन ऑफ एलिजिट डेट ने अपनी वेबसाइट पर नशर किए हैं कमेटी फॉर दी एवोल्यूशन ऑफ लिजिटमे डेट का मतलब है नाजायज कर्ज़ों के खात्मों की कमेटी ये कमेटी दरअसल एक तहरीक है जो तीसरी दुनिया के कर्जों के खात्मे समाजी आज़ादी और हर किस्म के जबर से आज़ादी के लिए लड़ती है यह तहरीक तीसरी दुनिया के कर्जों की मनसूखी के लिए पूरे यूरोप और लातनी अमरीका अफ्रीका और एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुकामी कमेटियों का एक बैनल्कवामी नेटवर्क है इसकी बुनियाद 15 मार्च उन्नीस को बेल्जियम में रखी गई यह नेटवर्क इन्हीं नज़रियात के लिए लड़ने वाली दूसरी तहरीकों और तंजीमों के साथ करीबी रामते में काम करता है कर्ज के मसले के अलावा इसकी बुनियादी मसरूफियात लोगों के बुनियादी हकूक़ ज़रूरियात और आज़ादियों के एहतराम की मनसूबाबंदी करना है इस तहरीक ने अर्जेंटाइन ब्राज़ील जनूबी अफ्रीका पैरागे और एक्वाडोर के कर्ज़ों को कम करने में मदद की उन्होंने इन कर्ज़ों का ऑडिट किया जो इन मुमालिक पर ममालिकायद किए गए थे और ऑडिट के बाद कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा माफ़ करवाने में कामयाब हुए लिहाजा ये तहरीक कर्ज़ों के ऑडिट करने कर्जों से मतलब मसाइल का सामना करने वाले मुमालिक को कोमत अमलियों का मशवरा देने और गैर ज़रूरी कर्ज़ों को माफ़ करने के लिए काफ़ी मशहूर है तकरीबन एक माह कबल इन्होंने पाकिस्तान के कर्जों के बहरान पर एक तजियाती रिपोर्ट शाये की रिपोर्ट का नाम है पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली सियासी इंतशार और गहरा कर्जों का बहरान इस रिपोर्ट में इमरान खान की हकूमत की बरतफी की अहम वजूहत को बयान किया गया है और ये कि इमरान खान की हकूत के खात्मे की तमाम वजूहत में से एक अहम वजह यह थी कि वज़ी आजम बनने के बाद उन्होंने तकरीबन छप्पन बैनवाी माहदों का जायज़ा लेना शुरू किया जो पिछली कुमतों यानी नू लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दस्तखत किए थे रिपोर्ट के मुताबिक पी टी आई हुकूमत का पाकिस्तान के मुफाद में रशिया की तरफ झुकाऊ वाशिंगटन को काबिल कबूल नहीं था यही वजह है कि खान का दौरा रशिया रिजीम चेंज की एक और वजह बना रशिया के तर्जमान के बकौल इमरान खान को इस दौरे की सजा दी गई एक और इकदाम जो इमरान की हुकूमत के खात्मे की वजह बना वो है डॉलर से आज़ादी के लिए जदोजहद जिसमें चाइना रशिया और टर्की भी मदद कर रहे थे सी पैक बजाते खुद और इसके लिए चाइना के साथ करेंसी का खातिर ख्वा तबादला भी वाशिंगटन को नाकबले कबूल था ये एक हकीकत है कि इमरान खान की माशी पॉलिसियाँ इतनी अच्छी नहीं थीं लेकिन वो कम अज़ कम एक चीज़ के लिए क्रेडिट के मुस्तक हैं उन्होंने बैन अवी सरमाकारी के माहदों के खिलाफ एक ज़रूरतमंदाना मौकफ अख्तियार किया ये माहे इन अदारों को कौमी सतह पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत देते थे दर हकीकत खान ने तेईस दोतरफा सरमाकारी के माहदों को ख़त्म करने का एक अमल शुरू किया था इन माहदों के तहत ये कॉरपोरीशंस बैन अवी गैर अहतसबी अदालतों में पाकिस्तान हकूमत पर मुकदमा कर सकती थी पी टी आईूमत ने इसके बरक्स इन मुकदमात को मुल्क की मुकामी अदालतों में हल करने का बंदोबस्त किया ये इकदाम भी अमरीका को काबिल कबूल नहीं था दूसरे लफ्ज़ों में हर वो चीज़ जिससे पाकिस्तान ख़ुद मुख्तारी की तरफ सफर शुरू कर सके अमेरिका के लिए रिजीम चेंज की वजह बन सकता है इसकी एक मिसाल यह है कि जब पाकिस्तान ने टेथियन कंपनी को सोने और तांबे के प्रोजेक्ट पर काम करने से रोका तो टेथियन कंपनी बैन अवी अदालत में यह केस ले गई और मौकेफ अख्तियार किया कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट की फर्जी की है और कंपनी के मुतव मुनाफे की तलाफी के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर जुर्माना देना होगा इमरान खान की हुकूमत को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ जुर्माने की ख़तीर रकम माफ़ करवाई बल्कि कंपनी को दोबारा काम करने पर राज़ी भी कर लिया पाकिस्तान के बढ़ते हुए बैरूनी कर्ज़े इसकी माशी तरक्की में एक बड़ी रुकावट है इस मसले के हल के लिए पाकिस्तान ने चाइना के साथ करेंसी के तबादले का माहदा किया जिससे अमरीकी डॉलर पर पाकिस्तान का इहसार कम हुआ और बैरूनी कर्जों की मद में पाकिस्तान की वफाकीकूमत को काफ़ी हद तक आसानियाँ मिली। ये और इस तरह के दूसरे माहदे वाशिंगटन को नाकबले कबूल थे जो इमरान खान की हुकूमत के खात्मे की वजह बने